ये वही जगह है जहाँ पर जो है हज़रत अली को जो है जहर भरी तलवार से जो है उन पर वार किया था दोस्तों। इस वक्त भी आप देखें उनके जो है खून मुबारक के जो है निशान आज भी है, और ये जो है मुस्लिम बिन अक्किल रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो है मज़ार शरीफ है। और भी यहाँ पर हज़रत अली का घर और हज़रत नूह अलैहि सलाम ने जहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी वो जगह, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और दोस्तों ये जगह जो है इराक़ के कूफा शहर में है, कूफा जो कि नजफ़ के बगल में है। दोस्तों ये कूफा वही जगह है जहाँ पर जो है इमाम हुसैन को जो है बुलाया गया था। उन्होंने जो है तकरीबन कूफा वालों ने 150 खत लिखे थे इमाम हुसैन को, यहाँ पर जो है बुलाया था। ये वही शहर है कूफा, और यहाँ पर अंदर जो है हज़रत अली को जो है शहीद कर दिया गया था वो जगह है यहाँ पर, जहाँ पर आप जब नमाज़ पढ़कर जो है बाहर आ रहे थे तब शहीद कर दिया गया था हज़रत अली को। और पीछे जो है उनका घर भी है, और यहाँ पर कूफा के बगल में ही दोस्तों यहाँ पर ये मतलब कनेक्टेड ही है नजफ़, वहाँ पर जो है हज़रत अली का रोज़ा भी है, और यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील का मज़ार है जहाँ पर आपको पता। तो दोस्तों मुस्लिम बिन अकील जो है वही है जिन लोगों को नहीं पता है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने जो है सबसे पहले उन्हीं को जो है मुआवजा करने के लिए भेजा था कि क्या जो है कूफा वालों ने 150 खत लिखे हैं तो क्या ये किस इस बात पे कितनी हकीकत है। तो उनके साथ जो है उनके दो बेटे भी आए थे मुस्लिम बिन अकील के, जीत करके जो है उनके साथ आए थे, और उन्हें भी जो है दोस्तों शहीद कर दिया गया। तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला ने को जो है यहीं पर कूफा में ही शहीद किया था, इसलिए जो है इमाम हुसैन को जो है थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए जो है उन्होंने मुआवजा मतलब तहकीकात करने के लिए जो है मुस्लिम बिन अकील को भेजा सबसे पहले। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कूफा में आने के बाद जो है लोग जो है बात से मुकर गए यजीद से डर कर, तो बहुत ही आगे की कहानी तो सबको पता ही होगी। बहुत ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी आज के दौर में दोस्तों, इतना मतलब कोई नहीं सहन कर सकता आज के दौर में। तो दोस्तों ये नोहा जो है तू ना आया गाजी, इस पर जो है इस नोहे में जो है मौला अली अब्बास का जो जिक्र किया है। मौला अली अब्बास भी जो है बैटल ऑफ करबला में थे शामिल, उनके साथ ही थे। वो ऐसी शख्सियत थे ना दोस्तों कि उनके सामने उनको देखकर ही जो है लोग डर जाया करते थे। उनके जो है दोनों हाथ शहीद कर दिए गए थे चुपके से, तो वो पूरा जो है स्टोरी यहाँ पर मतलब इस नोहे में जो है बताया गया है। तो मौला अली अब्बास जो है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के जो है भाई थे, और उनका रोज़ा जो है करबला में है, इमाम हुसैन के जस्ट अपोजिट साइड में जो है उनका रोज़ा सेम वैसा ही रोज़ा है जैसा जो है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। और वहाँ पर जो है जहाँ पर उनके हाथ मुबारक जो है शहीद हुए थे वो दोस्तों वो जगह भी जो है करबला में मौजूद है। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद कूफा और हज़रत अली के घर पर जहाँ पर उन्हें शहीद किया गया था वो जगह भी है। तो वहाँ पर जो है अभी मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। फिलहाल देखिए अभी बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है भाई। तो ये यहाँ पर जो है मैप बनाया हुआ है कि यहाँ से एंटर और जहाँ पर मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारी जगह का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पर ना गर्मी बहुत है भाई,
पैर भी जल रहा है। तो भाई कैमरा वगैरह और वो सब तो जो है अलाउड नहीं करते हैं, तो यहीं पर जो है आपको रखना पड़ेगा बाहर। तो फिर से भाई मैं अंदर जा रहा हूँ चेकिंग के लिए, एक बार तो बाहर कर दिया। तो बस दोस्तों, चेकिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन कोई एंट्री चार्ज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो सामने आप देख रहे हैं मुस्लिम बिन नकील रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो है मज़ार शरीफ है, और यहीं पर जो है मकाम नूह अलैहि सलाम का जो है जहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी वो जगह भी यहीं पर है, और हज़रत अली को जहाँ पर जो है शहीद कर दिया था वो जगह भी सामने है मस्जिद कुफा, और उनका घर भी जो है पीछे की साइड है। तो अभी तो जो है यहाँ पर एरिया ज़्यादातर कवर हो चुका है, अभी आपको एक एक करके जो है सारी चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहें। यहाँ पर जो है मौलाना साहब ने जो है फुल बयान भी किया है, तो इस वीडियो की जो है 9 मिनट तक जो है बयान मैंने रखा हुआ है, व्लॉग जो है 9 मिनट के बाद कंटिन्यू होगा। वो जनाब इब्राहिम जब इबादत की है, मुख्तलिफ मकाम है, अभी 20 वसत के अंदर जो है मकाम मोहम्मद है, ये शब मेराज के दिन जो है, शब मेराज जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो जनाब नूह ने कश्ती भी जो है वो यहीं तैयार की है, जनाब आदम ने तौबा भी यहीं की है, और यहाँ पर जो है वो मकाम जो है वो ग्रीन शेल्टर के नीचे है। एक का नाम है दक्कतुल खजा, ये वो जगह है कि जहाँ मौला अली मस्तर लगा के बैठते थे, अहले तौरात का फैसला तौरात से, अहले जबूर का फैसला जबूर से, अहले इंजील का फैसला इंजील से, और कुरान अहले कुरान का फैसला जो है वो कुरान से किया करते थे। वो मसनद थी कि जहाँ पर बैठ के मौला जो है वो अदावत किया करते थे। उसके बाद एक और मकाम है, मकाम है बैतुद्दश के नाम से। ये एक वाकिया एक मोमिना का, एक मोमिना थी कि जो बज़ाहिर जो है वो उस पर ये इल्ज़ाम रखा कि उसने एक नाज़ेबा हरकत की है जिसकी वजह से वो हामिला हो गई, और उसके भाई उससे नाराज़ हो गए और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगने लगा। ये बात मौला अली के पास लाई गई, मौला अली ने एक खातून को मुअय्यन किया कि जाओ तुम इसको चेक करो और बताओ कि मामला क्या है। तो उस औरत ने उसे चादर के पीछे चेक किया और कहा कि मौला ये मुझे भी हामिला लग रही है। उस वक्त मौला ने कहा कि नहीं, इसे एक बर्तन को लाया जाए। एक बर्तन को मंगवाया गया, उसके अंदर पानी को भरा गया, और उस औरत को जो है कहा गया कि इसके पीछे से बिठाया जाए। जब इसको उस पानी के बर्तन के अंदर बिठाया गया, तो उसके पेट के अंदर एक दफ़ा वो पानी के अंदर गई थी, वहाँ से कुछ कीड़े जो है वो दाखिल हो गए थे। वो पानी के जब अंदर गई तो वो कीड़े जो है वो तमाम के तमाम बाहर आ गए, और इस तरीके से मौला ने उस पर जो इल्ज़ाम लग रहा था पाक दामन औरत पर, उसके इल्ज़ाम को हटाया और साबित किया कि ये इसका पाक दामन है और ये हामला नहीं है। ये किस्सा जो पेश आया था उस मकाम का नाम है बैतुद्दश, उस वक्त से जो है ना इसका उस मकाम का नाम रख दिया गया बैतुद्दश, कि मौला ने वहाँ साबित किया कि ये औरत जो है उसका दामन पाक है, इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो खिलाफ शर हो। एक मसला पेश आ गया था। इस तरीके से मौला के बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जो है हल हुई हैं। मकाम जिब्राइल यहाँ पर है, मकाम जो ज़ैनुल आबिदीन यहाँ पर है। वो या मैंने आपसे बाहर भी अर्ज़ किया कि हज़ार अंबिया और हज़ार औसिया ने यहाँ पर इबादत की है। हर मलक हर रात यहाँ पर हर रात जो है मलाइका नाजिल होते हैं और इबादत किया करते हैं। बहरहाल दो रकत का सवाब सत्तर के बराबर है, हज़ार के बराबर है, ऐसा हज के बराबर है कि जो रसूल के साथ है, तो बहरहाल इंशाल्लाह जो है वो आमाल जो है वो शुरू कराए जा रहे हैं। इससे पहले मौलाना साहब जो है यहाँ की मखसूस ज्यारत है, उसकी तिलावत कर रहे हैं, और फिर जो है हमारे भाई जो है वो जैसा कि आपने बयान में सुना, यही है मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये जगह है जहाँ पर औरतें खड़ी हुई है, यही वो जगह थी दोस्तों। यहाँ पर भाई बीचों बीच जो है यहाँ पर बीचों बीच पानी पीने की व्यवस्था और वजू के लिए भी व्यवस्था है। इस वक्त ना 40 है, तो इस वक्त 48 डिग्री गर्मी है, फिर भी यहाँ पर भाई पानी की व्यवस्था की गई है, और गर्मी बहुत तेज है इस वक्त।
वजू करने के लिए पानी है यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं कि शिया में और वजू करने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। मतलब बैठ के करते हैं सुन्नी में, और शिया में जो है खड़े रहकर, मतलब थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा जो है डिफरेंस है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। नमाज में भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। हम हाथ बांधते हैं नमाज में, ये हाथ नहीं बांधते। तो थोड़ा थोड़ा नमाज में डिफरेंस है और वजू में डिफरेंस है बस। तो दोस्तों, ये है मज़ार शरीफ मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको पता ही होगा उनके जो बेटे थे उनको जो है किस तरह से जो है शहीद किया था। और यहाँ पर बगल में भी जो है मज़ार शरीफ है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ का जो है पूरा डिटेल बताऊँगा, एक एक जगह का। होनी इब्ने मौला का मज़ार है। होनी इब्ने मौला तो दोस्तों, अभी हमने आपको यहाँ पे ज़ियारत करवाई, और अभी हम आपको लेके चलते हैं मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर। आप देखें यहाँ पर दो गेट है अंदर दाखिल होने के लिए, तो अभी हम अंदर। तो भाई ये है मुस्लिम बिन अकील, उनका मज़ार है कूफा में। मुस्लिम बिन अकील का मज़ार है, जिन्हें यहाँ पर जो है शहीद कर दिया गया था। तो ये इनका मज़ार शरीफ है मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। पर जो है आप वीडियो वगैरह ले सकते हैं, आप हुसैन के अंदर रोज़े पर नहीं ले सकते, हज़रत अली के यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैंने तो फिर भी आपको जो है ज़ियारत करवा दी है। हज़रत अली का घर जो है पीछे की साइड है, जहाँ पर वो रहा करते थे। तो यहाँ से जो है वो जब मस्जिदुल हरम, ये मस्जिद है कूफा की जो मस्जिद है, यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ के जब निकल रहे थे। तो दोस्तों, वो स्क्रीन नहीं आ रही है, तो मैं कह रहा था कि जब वो जो है नमाज़ पढ़ के जो है निकल रहे थे, तब जो है जहर से भरी हुई तलवार से जो है उन पर जो है हमला वार किया था, और वो शहीद हो गए थे। ये जगह वो जगह भी है आगे ही, तो अभी मैं आपको जो है वो जगह भी दिखाऊंगा। इस वक्त जो है वहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ पर था बहुत गर्मी थी दोस्तों, और बहुत ही मतलब दोपहर का वक्त था, तो शांति थी, मतलब कोई था नहीं इतने लोग, क्योंकि 49 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर था। भाई 12:15 बज रहे हैं, जोहर नमाज का भी वक्त होने वाला है अभी। यहाँ पर भाई गलती से भी मत चलना, बहुत गर्म है, 48 डिग्री टेम्परेचर, बाप रे बहुत गर्म है भाई यहाँ पर। मैंने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, और यहाँ पर इस वक्त बहुत कम लोग हैं। तो ज़ियारत करवा रहा हूँ मैं आपको, और ये भाई ऐसा थोड़ा थोड़ा आपको ना धुंधला लग रहा है, वो गर्मी की वजह से ऐसा हीट, एकदम भाई बहुत हीट है यहाँ पर, गर्मी की वजह से भाई ऐसा हो गया है। गर्मी ना दोस्तों 48 डिग्री गर्मी है, और जैसा ही हवा आ रही है ना भाई, चेहरा पूरा एकदम गर्म हो जाता है, जलने लगता है।
इतनी गर्मी है यहाँ पर। यहाँ पर भाई थोड़ी 20 मिनट प्यासे नहीं रह सकते, सोचे आप उस वक्त इमाम हुसैन और प्यासे और भूखे कैसे रहे होंगे। इतनी गर्मी है 48 डिग्री और उस वक्त भी उससे ज़्यादा रही होगी उस वक्त तो। यहाँ पर भाई सूरज में तो पाँच मिनट भी नहीं रह सकते, इतनी तेज़ धूप पड़ती है यहाँ पर, इतना हीट आ रही है यहाँ पर, तो भाई 5 मिनट बाहर तो नहीं रह सकते, इतनी गर्मी रहती है यहाँ पर। तो अभी जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं जब व्लॉग बना रहा था, आगे गया था मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला के मज़ार शरीफ, वहीं पर जो है मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा था। तो अभी यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो यही वो जगह है भाई, मस्जिद कूफा। यह है मस्जिद कूफा, यहीं पर जो है हज़रत अली नमाज़ पढ़ते थे। मस्जिद कूफा है, यहीं पर जो है हज़रत अली नमाज़ पढ़ा करते थे, और यहाँ से जब बाहर निकल रहे थे तब जो है उन्हें तलवार जो पूरी जहर से भरी हुई थी, तब इन पर यहीं पर जो है वार हुआ था, और ये मस्जिद थी। और इस साइड जो है औरतों के लिए भी है, ज़ियारत के लिए। तो ये जो है पूरा जाली से जो है पूरा प्रोटेक्ट कर दिया है, अंदर जो है एक शीशा लगाया है ताकि जो है पूरा प्रोटेक्ट रहे दोस्तों। और ये जगह दोस्तों आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही, इस जगह पर जो है कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, बस इसको जो है कवर कर दिया गया है ताकि जो है लोग आए और ज़ियारत कर पाए। सब जो है वैसी की वैसी जगह, यहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ाया करते थे। आसे ये कहती थी जन्नत में फातिमा, बच्चे मेरे यतीम हुए, मालिक दुहाई है। वही जगह है जहाँ पर हजरत अली को जो है शहीद कर दिया गया है। यहाँ पर खून का वो भी है निशान। ये मौला अली को जो जरूरत है।
तो दोस्तों आप देखें, आज भी जो है निशान आप देख पा रहे होंगे, मैंने एकदम जितना मतलब करीब से हो सके उतना मतलब दिखाने की कोशिश की है, एकदम जूम किया है और जो है आप देखें पूरा साफ साफ दिख रहे हैं, आज भी जो है निशान है। दोस्तों हमने आपको ज़ियारत कराई हज़रत अली को, जहाँ पर जो है शहीद किया था वो जगह, और जहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ाया करते थे वो भी जगह एकदम मेरे सामने ही है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो सब जो है अलग अलग जगह है यहाँ पर, पीछे जो है मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है, और जो है बगल में भी मज़ार शरीफ है, मतलब जो यहाँ पर हज़रत अली के साथ जो सहाबी थे उनके साथ थे उनके मज़ार शरीफ है, और जो मतलब कुछ कुछ 72 लोग जो आए थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उनके साथ, मतलब 72 लोग थे, तो सबके जो है मज़ार शरीफ मतलब अलग अलग जगह पे है, ज़्यादातर जो है करबला में ही है, सबको जो है एक जगह पर ही जो है दफनाया गया है, और कुछ कुछ जो है ऐसे अलग हो गए, जैसे मुस्लिम बिन अकील यहाँ पर हो गए, ऐसे मतलब कुछ कुछ अलग हो गए, और ज़्यादातर जो है करबला शरीफ में ही है, और अलग अलग मज़ार ज़्यादातर जो है सीरिया में भी है कुछ कुछ मज़ार शरीफ, क्योंकि जो है उस दौर में लड़कियों को औरतों को मारना वो कहते थे, राजा मतलब जो किंग औरतों को मारता था उस पर वो करते थे, तो यजीद ने जो है क्या किया, मतलब सबको जो है चला चला कर जो है इराक से लेकर दोस्तों सीरिया तक जो है सबको चला के ले गया था, मतलब इन शॉर्ट जो है यजीद चाहता था कि जो है सबको जो है वो ख़त्म कर दे, इसलिए उसने जो है एक बार मतलब सबको एक बंद कमरे में भी जो है बंद कर दिया था सांप छोड़कर, वो भी मतलब काफ़ी मतलब बहुत ही स्टोरी है आगे, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कभी। जैसे मस्जिद में जो है मौलाना साहब इमाम साहब जो है आगे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पर जो है आज से उस दौर में जो है हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है यहाँ पर खड़े रहकर जो है नमाज़ पढ़ाया करते थे, तो ये वो मस्जिद है, मस्जिद का मेन यहाँ पर नमाज पढ़ाने की मेन पॉइंट है, और यहाँ के यहीं के लोगों ने जो है इमाम हुसैन को जो है 150 खत लिखे थे कि आप यहाँ पर आए, और जब यहाँ पर आए तो अपनी ज़बान से जो है मुकर गए थे, और फिर इमाम हुसैन जो है उस वक्त में सबको दिखाते थे कि भाई फला फला शख्स आप ही ने तो मुझे बुलाया है। तो ये वही जगह है कूफा। मस्जिद कूफा में ही दोस्तों यहाँ पर हज़रत अली का वो है घर है पीछे, और यहाँ पर मुस्लिम भी नहीं, मतलब कि दोस्तों इन शॉर्ट जो है एक ही जगह पर जो है बहुत सी ज़ियारतें हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, और जो है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ पर आए मेराज के दिन, तो यही वही जगह है जहाँ पर हज़रत अली जो है नमाज़ पढ़ा करते थे, और ये मस्जिद कूफा। तो ये है पूरी मस्जिद कूफा, तो अभी जो है हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो है घर दिखाना बाकी रह गया है, वो बाहर की साइड है, तो अभी यहाँ पर जो है हमने आपको पूरी ज़ियारत करवा दी, अब चलते हैं बाहर की तरफ। मैं तो अब भी वही सोच रहा हूँ कि कितनी गर्मी है दोस्तों, उस दौर में क्या अलग रहा होगा गर्मी का, अभी तो जो है उस वक्त तो पूरा एकदम रेगिस्तान रहा होगा। तो वहाँ पर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी थी वो जगह भी हमने आपको दिखाई वहाँ पर है, और यहाँ पर जो है हज़रत अली के साथ जो साहबी है उनका मज़ार है। और ये मस्जिद कूफा, यहाँ पर भाई 124,000 पैगंबर आए, ज़्यादातर पैगंबर ने जो है इस जगह पर नमाज़ पढ़ी है दोस्तों, सोचिए कितनी अहम जगह है ये, और यहाँ पर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनका जो है भाई वहाँ पर भी वो नमाज़ पढ़ते थे, तौबा यहीं पर कबूल हुई थी उनकी, मस्जिद कूफा।
नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ। तो यही दोस्तों वो शख्स वो हस्ती है जिन्हें जो है हमारे इमाम हुसैन ने जो है सबसे पहले मतलब एतबार मतलब उन्हें भेजा था मुआवजा करने के लिए। मतलब कितने उनके करीबी रहे होंगे आप सोचें कि उनको भेजा मतलब उन्होंने मुआवजा करने के लिए। लेकिन उनके साथ जो है मैंने आपको पहले बताया उनके दो बच्चे भी आए मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत ज़ैनब बिन मुर्तज़ा मिसाल शरीफ है। तो दोस्तों ये भी मतलब कितनी बड़ी शख्सियत के मज़ार पर मैं आया हूँ। मुख्तार भी मुख्तार अल्लाह ताला और जो है इनका मज़ार शरीफ भी दोस्तों मतलब कूफा में ही है। मतलब कितनी मतलब एक साथ इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के जो है मज़ार के दीदार। और दोस्तों जिनको नहीं पता है कि मुख्तार हज़रत मुख्तार कौन थे तो उनका जो है पूरा मतलब पूरी स्टोरी जो है YouTube पर एक सीरीज़ बनाई है। मतलब उनकी मतलब पूरी स्टोरी है वहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर आप Google पे भी जो है पढ़ सकते हैं। मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबका जो है हज़रत हूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मतलब सभी का जो है आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बैटल ऑफ करबला सर्च कीजिए गूगल पर, सबका फुल डिटेल जो है आपको मिल जाएगा गूगल पर। इतनी तेज गर्म हवा आ रही है कि आसमान में भाई थैलियां उड़ रही है आसमान में, वो भी ऊंचाई पर। बाप रे अभी गिर गया लेकिन बच गया फिर भी। इतनी गर्म हवा आ रही है कि आँख खोलना मुश्किल हो रहा है। पानी का यहाँ पर बीच में एक ही जगह पर है। ये जो जगह है उस साइड वहाँ पर जो है हज़रत अली जो है फैसले क्या करते थे लोगों के, जैसे सब लोग इकट्ठा होते थे और हज़रत लोग जो है इकट्ठा होते थे और हज़रत अली जो है फैसला सुनाते थे। तो ये आगे जो जगह है वही जगह है। यहाँ पर अलग अलग मुकद्दस जगह है। यहाँ पर सहाबी का मज़ार है, यहाँ पर मुस्लिम बिन अकील और वहाँ पर हज़रत अली नमाज पढ़ाते थे वो जगह है। बाप रे यहाँ पर गर्मी बहुत है इसलिए ऐसे एयर कूलर टाइप रखा गया है। तो ये पूरा मैप है यहाँ का। तो हम कहाँ से एंटर किए थे, हम यहाँ से इस गेट से आए थे फिर यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ पर इस गेट से एंट्री की थी फिर यहाँ पर जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ी थी वो जगह है ये। और यहाँ पर ये सहाबी का मज़ार है, यहाँ पर ये मुस्लिम बिन अकील और इनका मज़ार शरीफ है और यहाँ मुस्लिम बिन अकील और इनका मज़ार शरीफ है और यहाँ पर जो है हज़रत अली को शहीद किया गया था वो जगह है। और ये दो वो है जहाँ पर हज़रत अली जो है नमाज़ पढ़ाया करते थे जैसा कि वीडियो में हमने आपको दिखाया, एक ये और एक ये। और यहाँ पर भी है इस जगह, यहाँ पर हर लोकेशन जो है फ़ोटो के साथ वो की गई। तो ये मज़ार है और वहाँ पर भी है।
दोस्तों अभी जो है हमें यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है। लिटरली दोस्तों जाने का मन जो है बिल्कुल नहीं कर रहा था, ऐसा हो रहा था कि और रुक जाए, लेकिन जाना तो पड़ता ही, मतलब जाना मतलब तो पड़ेगा ही। बंद क्यों है लेकिन दोस्तों हज़रत अली का जहाँ पर जो है घर था वो जगह जो है बंद है, पता नहीं कुछ रिनोवेशन की वजह से या फिर इस तरह की कोई वजह की वजह से जो है बंद है। तो अभी हम जो है जा रहे हैं यहाँ से नजफ, वैसे दोनों एक ही है, नजफ कूफा एक ही मतलब पार्ट में ही थोड़ा डिवाइड है। तो अभी हम जो है बस में बैठ चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से नजफ की और हज़रत अली के रोज़े की तरफ। बहुत सी मतलब नजफ और कूफा में जो है बहुत सी ज़ियारतें हैं, बहुत से वली भी मतलब है यहाँ पर इराक़ के अंदर में, जैसे कोसबाग शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इतने बड़े वली भी जो है इराक़ में ही है, और इमाम हुसैन वो भी इराक में है, हज़रत अली वो भी इराक में है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े शख्सियत जो है इराक में आराम फरमा रहे हैं, और भी बहुत से वलियों के मज़ार और मस्जिदें भी बहुत सी हैं। तो ऐसा मतलब किसी मतलब साथ में तो ऐसा इतना इतनी सारी चीज़ें दिखाना तो मतलब बहुत मतलब दिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर इराक़ के अंदर में, तब जो है मैं सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। लेकिन अभी जो है मैंने आपको सारी मेन चीज़ें दिखाई, और आज का वीडियो जो है यहीं तक।